गाइज वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। स्वागत है आपका इस न्यू व्लॉग में। मैं हूँ तनुश्री और आप हैं एवा। तो हम हैं आज एवा के स्कूल के बाहर और आज है थर्सडे मॉर्निंग 7:20 AM। 10 मिनट में स्कूल जाएगी एवा। हमारे पास 10 मिनट्स टाइम है बिकॉज अभी 7:20 हुआ है, 7:30 को गेट्स ओपन होते हैं। तो हमने सोचा कि कुछ व्लॉग ही कर लेते हैं, क्यों एवा? तो हम जा रहे हैं एवा को स्कूल ड्रॉप करने के लिए और बहुत ही स्पेशल होने वाला है बिकॉज 2 वीक्स एवा का वेकेशन है और कल है कल्चरल डे स्कूल में। तो अभी हम कंफ्यूजन में है कि एवा क्या पहनेगी, इंडियन, आइवोरियन या फ्रेंच अटायर। आई थिंक एवा के पास सबसे बेस्ट आइवोरियन ड्रेस है, तो कल एवा पहनेगी आइवोरियन ड्रेस और लेके जाएगी आइवोरियन फूड अपने स्कूल में शेयर करने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ। व्हाट डू यू थिंक एवा? ओके, तो अब आइए शुरू करते हैं नए व्लॉग को और देखते हैं थोड़ा और मेडागास्कर और थोड़ा। सो गाइस, मैंने एवा को मैंने अब ड्रॉप कर दिया है स्कूल। मैं जा रही हूँ घर। अभी मैं कुछ दिनों से ड्राइव करना मैंने शुरू कर दिया है यहाँ पे। थोड़ा छोटा है बिकॉज यहाँ के रोड्स भी बहुत ज्यादा नैरो हैं, तो छोटा ही कार प्रेफर करना चाहिए यहाँ पे। तो मुझे ज्यादा प्रॉब्लम अभी तो नहीं हो रहा है बिकॉज हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे आई गेस वहाँ के रोड्स अच्छे हैं। तो यस, नैरो तो है बट ठीक है, करना ही पड़ेगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो फॉर मी टू नो द रूट्स एंड एवरीथिंग, क्योंकि यू नेवर नो, डिपेंडेंट भी हो जाते हैं यार। हमेशा ड्राइवर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता। ड्राइवर कम्स इन द आफ्टरनून और 10 or 11 बिकॉज इट्स टू अर्ली कि 7 बजे मैं ड्राइवर को बुलाऊं आने के लिए। तो यार ऐसा है, अभी मैं स्कूल के पास हूँ, यहाँ से घर है ऑलमोस्ट 10 मिनट्स राइड, ज्यादा नहीं है। और सुबह के समय में वैसे तो यहाँ के रोड्स हैं बहुत नैरो बट पुलिस, ट्रैफिक पुलिस जो है बहुत सुबह रहते हैं हर जगह ताकि वो कहीं पे भी ट्रैफिक जाम ना हो, इस वजह से भी बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। एक बहुत ही स्ट्रेंज बात मुझे यहाँ लगी कि पूरे सिटी में, दो इट्स अ कैपिटल, हम रहते हैं अंतनानारिवो में जिसको हम तना भी बोलते हैं, और यहाँ पे इस कैपिटल में कहीं भी आपको ट्रैफिक लाइट्स नहीं मिलेगा। इन लोगों ने कहीं पे भी ट्रैफिक लाइट्स नहीं लगा के रखा है, तो हर जगह सिर्फ मैनुअली ही होता है। पुलिस हर जगह रहती है, ट्रैफिक पुलिस, और वो ही डायरेक्ट करती है ट्रैफिक को। इट्स क्रेजी। और मैंने अभी तक इतना ज्यादा ट्रैफिक जाम बिना ट्रैफिक लाइट के भी नहीं देखा है यहाँ पे कहीं पे भी, विच इज वेरी गुड, क्योंकि लोग यहाँ पे, और यहाँ का ड्राइविंग भी बहुत ही मतलब पोलाइट ड्राइविंग है। ऐसा नहीं है कि कोई आपको चिल्ला रहा है या मतलब पीपल आर इन रश, क्योंकि आप इवन अगर बहुत ज्यादा हड़बड़ी में भी होगे तो भी इतने नैरो रोड्स में आप किसी न किसी को टच कर सकते हो गाड़ी से, एक्सीडेंट हो सकता है आपका। इस वजह से लोग बहुत ही धीरे चलाते हैं और आपको हमेशा स्पेस देते हैं कि आप अगर टर्न कर रहे हो, स्टीप टर्निंग है तो आपके पास हमेशा मेक श्योर कर सकते हो कि मतलब आपको लोग रोक के जाने देंगे। तो ये बात बहुत अच्छी लगी मुझे। तो अब मैं जा रही हूँ घर। आज का एक ऐसा सीन है कि मुझे जाना है स्पा। मैंने एक अपॉइंटमेंट बुक किया हुआ था तो उस वजह से मैं जाऊंगी वहां। और उसके बाद मेरा फास्टिंग चल रहा है अभी 9 डेज का, तो कुकिंग का तो कोई इशू है नहीं, कुकिंग कुछ नहीं करना है मुझे, तो बस ये करना है और फ्रूट्स वगैरह जो भी है वो मैं लूंगी, दैट्स इट। अगर आप नए हैं इस चैनल में तो मेरा नाम है तनुश्री और मैं रहती हूँ मेडागास्कर के कैपिटल अंतनानारिवो में। इसके पहले मैं रहती थी कोटिवा में। तो अगर आप नए हैं इस चैनल में तो प्लीज आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए इतने सुंदर फूल मिलते हैं यहाँ मेडागास्कर में। मैं अभी यहाँ अपने ही अपार्टमेंट के गार्डन से लेके आई हूँ। सारे मिलते हैं जो इंडिया में मिलते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है, पूजा करने में बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं होता। तो आइए चलिए अब जल्दी से पूजा करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या फलाहार लेना है आज। या गाइस, पूजा अब है खाने की बारी, तो मैं खा रही हूँ ये। मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या बनाया है। ये जो है एक सैलेड बाउल बोल सकते हो और रायता या जो भी बोल सकते हो। इसमें मखाने हैं
और इसमें कर्ड है, इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हैं और मैंने इसमें फ्रूट्स से थोड़ा सा फ्रूट्स डाला है, इसमें जो है केला है इसमें और इसमें है पाइनएप्पल और मैंगो। सो ये सारा मिक्स करके मैं ये सुबह खा रही हूँ और ये बहुत ही फिलिंग रहता है और ये बहुत ज्यादा प्रोटीन रिच और कैल्शियम रिच फास्टिंग फूड है। सो ये मैं अभी खाऊंगी और ये खाने के बाद फिर मैं नेक्स्ट मील अपना लूंगी प्रोबेबली 2 PM, 1 से 2 के बीच में। सो लेट्स गो एंड लेट्स ईट दिस। टेस्टी, डिलिशियस, यम्मी, सब कुछ और हेल्दी, बहुत ही अच्छा। ये जो 9 दिन है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि डिटॉक्सिफिकेशन होना चाहिए बॉडी का। यू हैव टू डिटॉक्सिफाई बिकॉज हम बहुत सारा जंक खा लेते हैं और हम बहुत सारी ऐसी चीजें खा लेते हैं जो बहुत ऑयली होती है और अनहेल्दी होती है। तो इट इज लाइक क्लिंजिंग योर बॉडी और आई थिंक फ्रूट्स आर द बेस्ट 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 सोर्स टू क्लीन योर बॉडी। वो रिच इन फाइबर होते हैं और जब हम खाते हैं तो डाइजेशन बहुत इजी होता है, फाइबर रिच होता है। तो मैं बहुत इंजॉय करती हूँ ये 9 days बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आई एम रियली क्लीनिंग माई बॉडी एंड माई सोल बोथ। सो आई एम ईटिंग दिस वेरी वेरी डिलीशियस मखाना बाउल आप बोल सकते हो। और अगर आप भी फास्टिंग कर रहे हो तो आप ये ट्राई कर सकते हो, बहुत डिलीशियस था। नहीं भी करते हो तो भी ट्राई कर सकते हो। इसमें आप जब आप इसमें कर्ड डालोगे तो इसमें थोड़ा सा आप जैगरी पाउडर भी मिक्स कर सकते हो, उससे और भी टेस्टी हो जाता है। मैंने नहीं किया है बिकॉज अर्ली मॉर्निंग आई डोंट वॉन्ट टू टेक मच शुगर। फ्रूट्स में ऑलरेडी ही बहुत ज्यादा शुगर होता है, नेचुरल शुगर जो स्वीट होता है, तो इट्स रियली नॉट इम्पॉर्टेंट। बट आपको अगर चाहिए तो आप डाल के भी ट्राई कर सकते हो इसको। आई एम एंजॉइंग माई डिलिशियस मखाना बाउल और मैं आपसे मिलती हूँ ये खाने के बाद। Guys, what's up? So day 2 and Riya is all set for her cultural day. हम जा रहे हैं कल्चरल डे में और रिया ने ड्रेस किया है अका की तरह। अका एक आइवोरियन कल्चर में, अका जो है एक एथनिक ग्रुप है और बिकॉज शी वॉज बॉर्न इन आइवोरी कोस्ट एंड शी इज ड्रेस्ड अप लाइक एन अका क्वीन। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या स्पेशल और क्या डिफरेंट होता है अका कल्चर के ड्रेसेस में। लेट्स सी। ये देखिए, ये जो कैप है, अका क्वींस मोस्टली ऐसे ही तरह के कैप्स पहनते हैं। ये जो है ये एक नेकलेस है और ये रिप्रेजेंट्स जो कलर है, जो डिजाइन है, वो रिप्रेजेंट करता है अका कल्चर के क्लॉथ को। और इसको बोलते हैं पाई, जो कि आइवरी कोस्ट में लेडीज बहुत पहनती हैं। तो रिया ने भी यही पहना है और पैर में भी उसने एक डाला हुआ है एक पैर में। और रिया ने पहना एक ब्रेसलेट और ये एक रिया का ब्रेसलेट है जो रिया को गिफ्ट में मिला था। और टोटल लुक ऐसा है। रिया कम हियर, लेट मी सी। बहुत ही क्यूट दिख रही है रिया अका क्वीन की तरह। नाइस। तो हम जा रहे हैं अब कल्चरल डे सेलिब्रेट करने रिया के स्कूल में। और रिया आप ऑल सेट हो? रिया सेट है। मैंने भी ड्रेसिंग जो है थोड़ी सी कोटिवा के जो मटेरियल्स होते हैं वहां पे मोस्टली ऐसे फैब्रिकेशंस होते हैं, तो उसका मैंने एक ड्रेस बनवाया था, तो मैंने भी वैसा ही कुछ पहना है सो दैट आई कैन मैच हर। बट शी इज लुकिंग वेरी वेरी ब्यूटिफुल एंड वी आर ऑल सेट टू गो। हमने ऑल्सो खाना ऑर्डर किया है जो हमको लेके जाना है वहां कुछ बच्चों के लिए। हम लोग सारे एक पॉटलक जैसे होने वाला है, तो ऑर्डर किया है आइवरी कोस्ट का स्पेशल डिश आचे के और आलू को। तो ये हम लेके जाएंगे वहां पे और हम शेयर करेंगे सबके साथ और एंजॉय करेंगे। तो आइए आप भी चलिए हमारे साथ।